बीच आज भी लगता है सेमीफाइनल और फाइनल में बिल्कुल रनों की बौछार होगी और दर्शक तो यहाँ चौके छक्के देखने आए हैं, वो चाहेंगे कि आज का सेमीफाइनल मैच 200 जाए और फाइनल 250 जाए। सर आप एक बेहतरीन कमेंटेटर, मैं आपको सिलेक्ट करके ही बुलाया हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं और मैच बता के कि कल का मैच बहुत रोमांचक रहा, आज की मैच भी काफी रोमांचक होने की संभावना है, रोमांचक होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे कुशल मैच खेलने जा रहे हैं। फिर भी सर आपके अनुभव से ये ग्राउंड आप क्या महसूस करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये ग्राउंड तो कैंटन के लिहाज से काफी बढ़िया ग्राउंड है, दर्शकों का बिल्कुल पैसा वसूल हो जाता है, जितने महंगे महंगे टिकट लेकर आते हैं इस मैच को देखने के लिए उनका पूरा समय बिल्कुल भरपूर मनोरंजन होता है। प्रकाश जी मैं बताऊं आपको, और दर्शक दोनों ही टीमों को सपोर्ट करती है चाहे कोई भी टीम हो, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर, जैसे ही मैच शुरू होगा हम आपको आकाशवाणी के स्टूडियो के अंदर लिए चलते हैं ऑल इंडिया रेडियो से पूरी जानकारी लेंगे और इसी के साथ ही ये पिच रिपोर्टर हो गया है और पिच इस समय आसमान में पूरी तरह से धूप खिली हुई है, कोई आसमान में बादल का कोई नजरिया दिखाई नहीं दे रहा है, फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सूर्य देव भी प्रसन्न हो रहे होंगे इस मैच को देखने के लिए, इतनी बेताबी के साथ रोमाल में समस्त दर्शक यहाँ पर आ गए हैं और ये चूंकि सेमीफाइनल हो रहा है बरेली वर्सेस से देखो बालाजी के लिए और काफी कुशल मैच है क्योंकि इसके बीच मैच जीतेगा निश्चित रूप से फाइनल की ओर अग्रसर होगा और इस चमचमाते के प्राप्ति के हकदार होंगे और बस और इसी के साथ में आपको आकाशवाणी के स्टूडियो लिए चलता हूँ। जय हिंद, तब तक इंतजार कीजिए।